Assalamu alaikum guys, welcome into another video. So in this video I am telling you ki how to get indoor fig like professional. So aaj jo fig create karne wala hu wo hai ye, isko main coronavirus COVID-19 ke mutalliq edit karunga, indoor hai. To sabhi kuch aapke samne hoga, to lage rahiye is video ke sath, end tak dekhein is video ko aur ek minute ke liye skip na kare taki koi step aapka reh na jaye. To chaliye start karte hain video kisi waqt ko zaya kiye bagair. प्रेस करेंगे तो लेवल ओपन हो जाएगा. यहाँ पर इसको हल्का सा वाइट किया, यहाँ पर इसको हल्का डार्क किया. डार्क करने के बाद अब यहाँ पर हमने बाल वगैरह सेट करने हैं, यहाँ पर अपने ये हेड वगैरह सेट करना है. तो इसके लिए मैं ओपन करूँगा रिक्वायर फिल्टर कंट्रोल एक्स, मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर रिक्वायरिटी आ जाएगा. अगर आप प्रेस नहीं कर सकते तो यहाँ से भी ये देखेंगे रिक्वायरिटी लिखा हुआ है, इसको ओपन करें तो रिक्वायरिटी फिल्टर ओपन हो जाएगा. तो जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर, ये देखें बाल किस तरह मैं सेट कर रहा हूँ अपने. यहाँ पर इसको थोड़ा सा डाउन करके जाऊंगा, साइड से थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा ताकि ये यहाँ पर अच्छा लगे. और यहाँ पर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, यहाँ से भी इसको थोड़ा सा ऊपर और ऊपर कर लेते हैं. यहाँ पर भी ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऊपर कर लेते हैं. तो ये स्टेप लाजमी गौर से देखें, यहाँ पर वीडियो ठीक नहीं करनी, चेक कर लेना. चेक करने के बाद यहाँ पर आपने किसी की तरफ चेक करने के लिए यहाँ पर आपने ये 1 2 3 4 5 नंबर पे एस दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा. क्योंकि एस ऑफ चेक करना है तो यहाँ पर ये इसका टूल है, ये ओपन हो जाएगा. तो आपने एंड पे एंड एच पे दोस्तों इसको क्लिक करते जाना है. इस तरह ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो किसी की तरफ बोलने शुरू हो जाएंगे. जिस तरह मैं कर रहा हूँ हो गया यहाँ पर, ऊपर ठीक है. अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सेल से भी, और जो रहती है कमी आपने यहाँ पर सेट कर लेनी है. तो यहाँ पर बाल भी हो चुके हैं रेडी, यहाँ पर बाल भी सेट हो चुके हैं. तो यहाँ पर इंटर करते हैं. इंटर करने के बाद ये देखिए फिल्टर अप्लाई हो रहा है. तो इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस क्लीनिंग का. तो वो किस तरह होगा ये बता देता हूँ. यहाँ पर आपने एक कॉपी बना लेनी है, कॉपी कंट्रोल जे से भी बना सकते हैं, लोग मैंने पहले आपको बता दिया है. कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर मैंने करना है फेस का कलर सेलेक्ट. आई टूल लेना है, इंटर ड्रॉपर टूल आई. तो यहाँ पर फेस का कोई भी कलर अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना है, आई प्रेस करके यहाँ पर फेस का कलर सेलेक्ट कर लेना है. उसके बाद मिक्सर ब्रश टूल ओपन करना है. मिक्सर ब्रश टूल अगर आप 62018 अप्लाई फोटो 62018 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा. तो देखिए यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल, अगर उससे कोई ओल्ड मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा. देखें ब्रश आर्ट ब्रश या यहाँ से मिलेगा, ब्रश टूल या पेंसिल टूल यहाँ से मिलेगा. तो गाइस यहाँ पर अब मैंने मिक्सर ब्रश टूल ओपन कर लिया है और अब मैंने इसको फेस पर अप्लाई करना है. वो किस तरह देखने इसको कर्सर को छोटा करके जितना छोटा होगा उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा रिटचिंग होगा फेस. तो इसको अप्लाई करना है. वीडियो को अच्छी तरह देखें, लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें ज़रूर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचे. मेरी मैं चैनल पर ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा, वीडियो ट्यूटोरियल, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के बारे में हर चीज़ अपलोड करूंगा. तो मस्त सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें. अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं या एडिटर हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. यहाँ पर आपको PNG बैकग्राउंड PSD फाइल्स फ्री मिलेंगे सारे, जो कि मैंने खुद तो परचेज की है लेकिन आपको फ्री दूंगा. तो आज की इस वीडियो में भी मैं जो PNG यूज करने वाला हूँ वो भी मैं अपलोड करूँगा. नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं. कोरोना वायरस के बारे में वो भी आप डाउनलोड कर लेना. मस्त
तो यहाँ पर टेस्ट भी रिजेक्ट हो चुका है, आप गर्मी पर अप्लाई करते हैं इसको सामने, जो भी मैं शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ वो यहाँ आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देंगे सारी। यहाँ पर ये देखो मैंने मिक्सर ब्रश को भी अच्छी तरह अप्लाई कर लिया, पेस्ट यहाँ पर अच्छी तरह रिजेक्ट हो गया। तो आपको दिखा देते हैं इनपुट एंड आउटपुट, ये देखें ये विदाउट मिक्सर ब्रश हो रहा है, ये विद मिक्सर ब्रश हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं हैंड से भी अप्लाई कर लूँगा अच्छे तरीके से यहाँ पर भी। तो भाई आजकल वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से घर रहें, अपने घर वालों के साथ रहें, स्टे होम स्टे सेफ। पाकिस्तान में लॉकडाउन है अभी, लॉकडाउन तो यहाँ पर मैंने हैंड से भी अप्लाई कर लिया इसको। इसी तरह यहाँ पर हमने स्किन सारी रिटच कर ली है, रिटच करने के बाद अब यहाँ पर मर्ज कर लेंगे दोनों लेयर को, एक लेयर बना लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई से, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद यहाँ पर इसको फिर से क्लियर बना लेनी है, लेयर बनाने के बाद यहाँ पर हमने ओपन करना है कैमरा का ऑप्शन। ये मेन फिल्टर है फोटोशॉप का, अगर आप सीसी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सीसी के अलावा कोई और फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं 7.0 या CS तो उसमें आपको ये कैमरा फिल्टर नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ये वीडियो देखनी है यहाँ पर ये स्टेप देखने हैं। तो यहाँ पर वाइट्स को मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर हल्का सा, और कंट्रास्ट को लो कर दिया मैंने, कलर जो है हल्का सा बढ़ा दिया। कलर बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्लैरिटी बढ़ा दी, क्लैरिटी बढ़ाने के बाद हाईलाइट्स भी बढ़ा दिया हल्के से, और शेडो को भी बढ़ा दिया ब्लैक हल्का सा कम किया मैंने, और यहाँ पर जो कलर टेम्परेचर है वो रखा मैंने यहाँ पर येलो, और हल्का सा बढ़ा दिया। नेक्स्ट हो रहा है, नेक्स्ट है जो हमारा वो है टोन कलर। टोन कलर में यहाँ पर वाइट्स को बढ़ा दिया मैंने हल्का सा, और यहाँ पर मैंने लाइट्स को भी बढ़ाया। लाइट्स को बढ़ाने के बाद अब नेक्स्ट है जी हमारा एक्सेसर एडजस्टमेंट, जिसमें हम जो है फोटो का मेन चीज जो है एक्सेसर एडजस्टमेंट है। यहाँ पर ये देखिए मैं ब्लू को बढ़ा देता हूँ, जो शर्ट और मास्क का कलर है। ब्लू बढ़ाने के बाद स्क्रीन के कलर को हल्का सा बढ़ा के रेड बढ़ाऊंगा, रेड यहाँ पर है नहीं तो रेड रेड देते हैं, और यहाँ पर पर्पल को भी कम किया थोड़ा सा। और इसके बाद फेस हल्का सा वाइट किया, ऑरेंज जो कलर फेस का है इसको थोड़ा सा वाइट किया। वाइट करने के बाद कैलिब्रेशन में जाएंगे, कैलिब्रेशन में यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे जहाँ पर हमारी सभी एडजस्टमेंट होगी। यहाँ पर बेटर एलर्ज है, एडजस्टमेंट मैंने यहाँ तक कर लिया है। और इसके बाद जो मैं फिलहाल तो इंटर कर दूंगा, यहाँ पर मेरा रिक्वायर्ड फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो देखें किस तरह इनपुट एंड आउटपुट आपको दिखा देते हैं। ये विदाउट कैमरा फिल्टर है, ये भी कैमरा फिल्टर है। इसको थोड़ा सा मैं और क्रॉप कर लेता हूँ, मेरी आ रही है पेंट आ रही है, इसको भी गायब कर लेते हैं। चलो यहाँ तक हो गया बेटर। अब यहाँ पर इसको सेट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स अप्लाई करेंगे, फिर से रिक्वायर्ड फिल्टर ओपन करेंगे। रिक्वायर्ड फिल्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको बुरा हो गया है, यहाँ पर इसको अब छोटा करके हम सेट करेंगे, चार्ट को बराबर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये बैग के पीछे बनाई है तो बहुत ही तो आप रिक्वायर से यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं, जो आपने करना हो हर चीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पर मैंने रिक्वायर फिल्टर जो है अप्लाई कर लिया अपनी शर्ट यहाँ पर सेट कर ली, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा बैकग्राउंड जो है इसको थोड़ा सा मैंने लाइट करना है येलो में, तो उसके लिए मैं क्लियर बना लूँगा कि कोरोना बनाने जा रहा हूँ तो उसको लाइट रखेंगे कि बैकग्राउंड ओवर नहीं करेंगे ज़्यादा, सिंपल ही रखेंगे। चलें अभी ये भी आपको दिखा देते हैं
यहाँ पर आप अच्छी तरह आप टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग करने के बाद ये आपको बताएंगे क्या करना है, अगर इसके एक्शन देखें आप और वीडियो को खुद देखें देखा करें यार, और लाइक लाजमी किया करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए यहाँ पर भी मैंने चेक कर लिया अच्छे तरीके से, सारे बैगों को मैंने चेक कर लिया और मास्क को यहाँ पर अपना अप्लाई करूँगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे मास्क अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर लूँगा कंट्रोल आई से, कंट्रोल आई से यहाँ पर इसको इन्वर्ट हो गया। और तो बैकग्राउंड जो है येलो रखना है मैंने, तो यहाँ पर न्यू लेयर लेके मैंने उसको येलो से कर लिया, फिर इसको नीचे बैकग्राउंड पे लिया। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये देखते हैं अब ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करूँगा बैकग्राउंड पे, जो मैंने यहाँ पर येलो कलर चेज किया है, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको कैपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं, कैपेसिटी डाउन होगी तो यहाँ पर बैटरी बेटर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ब्लैक लेयर बनाते हैं, ब्लैक लेयर बना लिया, इसको भी अच्छा सा डाल यहाँ पर बैटर लगा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर इसको भी सेट कर लिया मैंने। तो देखिए बैकग्राउंड अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो चुकी है, यहाँ पर जो भी रहता है यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर इसको भी डिलीट कर लें, इसको यहाँ पे भी यहाँ पर मेरी सेट हो चुका है। अब इस पर लगाते हैं हम कोरोना के PNG जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो अब हम वो लगाएंगे। ये देखें कोरोना COVID-19 ये मैंने अप्लाई करना है आज इस पर, तो नॉट अ PNG फाइल ये क्या मसला आ गया, चलो इसको पहले PNG बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो PNG है वो भी मैंने सेट कर लिया है, ये देखिए इसको ले चलते हैं पिक्चर पे, यहाँ पर ये मैंने सेट कर लिए, तो इसको अब एडजस्ट करना है नॉर्मल साइज में। तो यहाँ पर बेल बेटर है। अब नेक्स्ट जो PNG हमारी वो ये है कोरोना वायरस स्टॉप, तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर नो वायरस, इसका कलर चेंज करेंगे हल्का सा यहाँ पर तो ग्रीन करेंगे हम, इसको ग्रीन करेंगे डार्क। तो यहाँ पर ये भी सेट हो चुका है, और इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट है इसको डिलीट करेंगे यहाँ पर। अब इस तरह होगी आप देखते हैं W2 बेटर है मुझे तो ये ठीक लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये PNG भी अप्लाई हो चुकी हैं नो कोरोना यूबी। तो लास्ट जो PNG है वो देखते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं, कहीं अगर लगी तो भी लगा देंगे। यहाँ पर ये भी ठीक है, इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इसको हल्का सा स्मॉल कर लेंगे। बस यहाँ पर इसके PNG को रहने देते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्पेस होम स्पेस होम स्पेस आप भी हैं आप इसे अगर कर रहे हैं आप देख रहेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसको एक साइड लगा देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। तो फिर लगाने के बाद
तो यहाँ पर यूनिट बेटर हो चुकी है। अब इसको कर लेते हैं मर्ज। मर्ज करने के लिए आप करने के बाद मर्ज हो चुका है दोबारा। काफी दिन आप कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा में और सेटिंग करेंगे करने के बाद करने के बाद कैलिब्रेशन में जाएंगे। कैलिब्रेशन में आप इसको विंडो कर लेते हैं। आप इस पर कोई लाइट वगैरह लगा के देखते हैं यहाँ पर जो भी लाइट करते हैं। आप इसको भी चेंज कर लिए यहाँ पर मैंने, तो ये भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो बालों का कलर है वो भी सेट हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर सर यहाँ बुरा लग रहा है इसकी इसको लास्ट ऑप्शन पे ही कर लेते हैं। चलें यहाँ पर आप इसमें कोई और लट लगा के देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये भी मैं चैनल यू वे करूँगा बहुत जल्द। ये भी मैंने बाइक में करूँगा बहुत जल्द। और अब कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा में एफएक्स में से यहाँ पर इसको हल्का सा डार्क करेंगे। साइज को डार्क करने के बाद यहाँ पर आईज में लेंस भी हम अप्लाई करेंगे, वो भी देखते हैं किस तरह। यहाँ पर ब्रश को लेना है सिंपली सिंपल ब्रश को, यहाँ से कोई भी जगह सेलेक्ट कर लें इस तरह का आपको ब्रश के लिए। इसको यहाँ पर अप्लाई कर लिया, इसके बाद इसी साइड से भी अप्लाई कर लेते हैं। इस तरफ भी कर लिया, करने के बाद इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन इसको अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन जैसे जो बैटरी लगाने वो अप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पर ये भी बैठ, यहाँ पर हम मेरा लोगो लगा देते हैं सीएस स्टूडियो, जो कि मेरे चैनल का नाम भी सीएस स्टूडियो है, तो इस पर लोगो लगा देते हैं। तो इसमें लोगो तो इसको भी अप्लाई कर देते हैं साइड के कॉर्नर पे। तो आज की पिक कैसी बनी ये कमेंट में बताना है आपने लाजमी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच जाए तब। और अब इसको शेयर करते हैं लास्ट टाइम, यहाँ पर कोई भी नाम दे दें आप, और यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी फुल कर लेते हैं। तो इंटर तो गाइस घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें, ये बहुत ही खौफनाक और एक तरह का और चाइना वाले अपडेट कर रहे हैं एक न्यू वायरस भी आ रहा है, उसका नाम आई थिंक हंटा वायरस है, इस तरह कुछ है। तो घर में ही रहें, सेफ रहेंगे आप, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी इसकी जो पीएनजीज़ मैंने ये यूज़ की हैं ये सारी मैं अपलोड करूँगा। तो
चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।